I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू मरियम्स डिजिटल यूनिवर्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है, क्योंकि आज मैंने आपके साथ शेयर करना है कि कैसे मैंने अपनी किचन पैंट्री को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मेंटेन रखा हुआ है। जितना भी ग्रॉसरी का यूनिट होता है वो मैं कैसे सेट करती हूँ, स्पाइसेस, लेंटिल्स और पल्सेस वगैरह कैसे लॉन्ग लास्टिंग आप सेव कर सकते हैं बहुत ही यूनिक आइडियाज़ के साथ। तो यहाँ पर ये मेरा किचन का ड्रॉर है और काफ़ी ज़्यादा मैंने एंटी स्किड शीट भी इस पर डाली, लेकिन इसकी थोड़ी सी कंडीशन अंदर से ख़राब हुई हुई है। पेंट करने की वजह से बहुत ही स्मेल रहती है काफ़ी दिन तक, तो पेंट करने से मैंने अवॉइड किया और दूसरी शीट भी इसमें प्रॉपर सेट नहीं हो पा रही थी। और ये बिल्कुल थिन सी विनाइल शीट्स हैं, ये मैंने आपके साथ किचन के मेकओवर में जब शेयर किया था तो ये वहाँ से जो थोड़ा सा पीस है ये लेफ्ट ओवर था, तो मैंने यहाँ पर इसको चिपका लिया है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत ही अच्छा पेपर है ये, तो ये मैंने नीचे वाले ड्रॉअर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसमें भी देखें काफ़ी क्रैक्स आ गए हुए हैं और पेंट करने से अवॉइड ही किया है मैंने, और इसमें भी बहुत ही अच्छे से ये वाली अप्लाई कर लिया। थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको अप्लाई करना क्योंकि बहुत जल्दी ये चिपक जाती है। तो इसके बाद सारी कटलरी जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर मेंटेन कर ली है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इस शीट की। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ थीमन से, और बहुत ज़्यादा जहाँ पे सिंक एरिया के पास पानी का होता है वहाँ से थोड़ी बहुत जो है वो ख़राब हो गई, लेकिन बाकी ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस अच्छा था। ड्रायर चूँकि ड्राई ही होते हैं तो वहाँ तो बहुत ही बेस्ट रहेगी ये, तो इसलिए मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दी। लेंटिल्स और पल्सेस वगैरह को अच्छे से एयरटाइट जार में रख रही हूँ। यू नो बेटर कि जो आपने पल्सेस लेंटिल्स जल्दी यूज़ करनी है उनको ऐसे कंटेनर में डालें जो कि एयरटाइट ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जो कंटेनर्स एयरटाइट हैं और वो पल्सेस लेंटिल्स आप लॉन्ग लास्टिंग जो है वो यूज़ करते हैं उनको इस टाइप के ग्लास के या प्लास्टिक के एयरटाइट जार में ज़रूर रखें। आपको बेहतर पता है कि आपने कौन सी लेंटिल्स और पल्सेस जो है वो जल्दी यूज़ करनी है। कुछ लेबल्स भी मैंने यहाँ पर इनके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं, ये भी वाटरप्रूफ लेबल हैं। और लेबल लगाने का ये बेनिफिट होता है कि क्या आपका किचन बहुत ही क्लासी, स्टर्डी और मेंटेन लगता है। इसके अलावा आपको बैक साइड से कोई भी चीज़ आपने निकालनी हो तो वो ईजिली आप निकाल सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आपका यूज़ कर रहा है किचन तो वो भी इजीली इन लेबल्स को देखकर आपकी किचन से कुछ भी ले सकता है। हैंडी यूज़ होने वाले स्पाइसेस जो कि छोटे जार्स में होते हैं उनको काउंटर टॉप पर ही सेट करके रख लेती हूँ, लेकिन थोड़ी सी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे चाहिए तो वो मैं यहाँ पर छोटे कंटेनर्स में सेट करके सेकंड रैक में इजीली मेंटेन और ऑर्गेनाइज कर लूँगी। तो कुछ यहाँ पर छोटे ग्लास की जार्स हैं जो कि पिकल्स, जैम्स वगैरह के या न्यूट्रेला से हमें मिल जाते हैं, तो इनको भी वेस्ट नहीं करते। कुछ डेकोर पीसेस मैंने इनके साथ बनाने का आपके साथ आइडिया शेयर किया था, तो यहाँ पर इनके लिड्स जो हैं उनको मैंने पेंट किया हुआ है, अभी ड्राई नहीं हुआ है
और ये एक्रेलिक पेंट के साथ मैंने पेंट किया था, और उसके बाद मैंने एक जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है उसके साथ ब्लैक कर दिया था, तो एज अ वॉर्निश उसने वर्क किया और बहुत ही अच्छे से लिड जो है वो मेरे कवर अप हो गए और ब्लैक कलर में आ गए थे। और इन पर भी मैं कुछ जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर ये वाला जो स्पाइस जार मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि मैंने ये बाई किया है, तो कुछ ड्राई स्पाइसेस जो कि हमें डेली नीड में होते हैं उनको मैं इसमें ऐड करके काउंटर टॉप पर ही सेट कर लूँगी। बैक साइड के बड़े 3 कंटेनर्स में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में टी, शुगर और ऑल पर्पज़ फ्लोर को रख दिया है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही हैंडी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो छोटे जार्स में शिफ्ट करने में इनको बहुत ही आसानी रहेगी। साल्ट, पेपर और डेली रूटीन में खाने में यूज़ होने वाले स्पाइसेस मैंने ड्रॉर में बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ सेटल किए हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। Get inside the heads of the ones who have been to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that. तो यहाँ पर इस ड्रॉअर में, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से शीट लगाकर कवर किया है, अपने डेली रूटीन में खाने में यूज़ होने वाले स्पाइसेस मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। इनके लिड्स ऊपर से ट्रांसपेरेंट हैं, तो इजीली जो है वो मुझे नज़र आ जाएगा, इन पर एसएच लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये एक DIY कार्डबोर्ड है, मेरे पास कुछ छोटे साइज़ में ट्रांसपेरेंट जार्स हैं, तो उनको अगर मैं इस तरह से रखूंगी तो बहुत ही छोटे होने की वजह से नज़र नहीं आएगा कि क्या है उसमें, और लेबल लगाना भी इतने छोटे पर आसान नहीं होता और बहुत ही जो है मैसी लगता है। तो इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड को वर्टिकल रख कर उसके ऊपर ये जार्स रख दिए हैं, ताकि नज़र भी आए, बहुत ही ऑर्गेनाइज भी लगें। तो इस तरह से भी अगर इन जार्स को मैंने, जिनको ब्रेड बास्केट के अंदर रखा, वर्टिकल रखने से ये नज़र नहीं आएंगे, इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट करके मैंने इनको सेट कर लिया है। और इसके बाद की स्पेस जो बची है उसके अंदर भी कुछ छोटे जार्स जो मैंने, जिनके लिड्स जो हैं वो मैंने पेंट किए थे, आपके साथ शेयर किया था, वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अगर आपके पास छोटे जार्स हैं और अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते अप एंड डाउन वाला टायर रैक, तो आप इस तरह से एक कार्डबोर्ड को टिल्ट करके उसके ऊपर छोटे वाले रख सकते हैं। तो ये मेरे पास जो रैक है, ये मैं लेकर आई थी, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी बड़ी क्वान्टिटी में होगी या बॉक्सिस में जो स्पाइसिस आते हैं वो मैं हैंडी रखने के लिए इसके अंदर प्रॉपर सेट करके काउंटर टॉप पर ही रख लूँगी। ये वाला रैक मल्टीपर्पस आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ अनियन पोटैटो बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ स्मॉल सॉसेजेस जिनको हमें रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं होती उनको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप इनको कैबिनेट में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास काउंटर टॉप पर जगह है जो कि ओवन की कैबिनेट के बिल्कुल साथ है, तो वहाँ पर एज सच ये प्रॉपर सेट हो जाता है
और इस तरह से बाकी के सारे स्पाइसेस जो है मैंने सेट करके रख लिए हैं। और काउंटरटॉप बहुत ही क्लीन, बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रहा है। मंचिंग के लिए यूज़ होने वाले ड्राई फ्रूट, कुकीज़ या बच्चों की कैंडीज़ वगैरह, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर एयर टाइट ग्लास जार में रखे हुए हैं। या कुछ पास्ता शेल्स, तो इस तरह से कुछ एसेंस की बॉटल और कुछ फूड कलर मैंने इस 3 टायर के वुडन रैक में ऑर्गेनाइज करके रखे हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।